अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हकीम बशीर अहमद है और आज मैं आपसे बदलते मौसम में फ्लू, नजला और जुकाम के लिए बेहद मौसर रेमेडी शेयर करूंगा जो बलगमी मिजाज अफराद के लिए नहायत मुफीद दवा है और दिमाग को बेहद ताकत पहुंचाती है। इसे आप बआसानी अपने घर में खुद तैयार कर सकते हैं। मैंने UMC लाहौर से FTJ किया और मैं नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद विजारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हूँ। मैं 97 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये मेरा 25 साल का तजुर्बा शुदा फॉर्मूला है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले इसे सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस और मुफीद तिबी मशवरे आप तक बराह रास्त पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहता, तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले नुस्खा के अज्जा को नोट फरमाएं। जंजबील, इसे सुंड भी कहते हैं, 20 ग्राम। सौंफ 20 ग्राम। इलायची खुर्द यानी सब्ज इलायची 10 ग्राम। इन तीनों अज्जा को लोहे के हामन दस्ता में नीम कोब कर लें। नीम कोब का मतलब दड़ल फड़ल कर लें। इनको मशीन में या ग्राइंडर में अगर ग्राइंड किया जाए तो जड़ी बूटियों के अक्सर अज्जा जो रोगनी अज्जा होते हैं वो मशीन की तेजी, हरारत और रगड़ की वजह से और स्पीड की वजह से जल जाते हैं, जिसकी वजह से नुस्खा के मुकम्मल फायदे हासिल नहीं हो पाते। आप थोड़ी सी मेहनत करें और इसको लोहे के हामन दस्ते में इनको नीम कोब करें। बहुत ज्यादा पाउडर करने की जरूरत नहीं है। आप इनको थोड़ा दुरदरा रख लें क्योंकि आपने इसका जुशांदा ही पकाना है। जब आप इसको पकाएंगे तो उसका सारा असर पानी के अंदर खुद ब खुद निकल आएगा। अब 2 कप पानी लें, चूल्हे की हल्की आंच पर रखें और आधा चम्मच छोटा चाय वाला इस दवा का पानी में डालें और हल्की आंच पर पकाएं। 1 कप पानी खुश्क हो जाने के बाद चूल्हे से उतारें, इसको निथार लें और अगर आपके पास शहद हो तो इसमें शहद का 1 चम्मच डालें। अगर शहद नहीं है तो गुड़ डाल लें, अगर गुड़ भी नहीं है तो चीनी डाल लें और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो फिर आप गुड़ और चीनी से परहेज रखें बल्कि सादा पिएं। बड़ों के लिए 1 कप सुबह, 1 कप शाम और 15 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए 1/2 कप सुबह, 1/2 कप शाम और 4 से 6 साल के बच्चों के लिए 1/4 कप और 3 माह से 9 माह और 12 माह तक के बच्चों के लिए 1 चम्मच से 1.5 चम्मच तक सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम पे पिलाएं। नाज़रीन, इस दवा का मिजाज गर्म तर है और जुकाम को तो ये ठीक करती है। इसके साथ साथ इसके और भी बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि इसका मिजाज मैंने बताया गर्म तर है तो ये सर्द खुश्क मिजाज को और सर्दी खुश्की की वजह से पैदा होने वाले अमराज को बहुत फायदेमंद है। यूरिक एसिड और ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़ जाने को कंट्रोल करता है, जिस्म में दर्दों को भी कंट्रोल करता है क्योंकि सूंड का काम है वाई बादी को खत्म करना और मेदे के अमराज में भी फायदेमंद है। लिहाजा आप इसे बनाएं, इस्तेमाल करें, अपने बच्चों में भी इस्तेमाल करवाएं। इसका इस्तेमाल हर उम्र और हर मौसम में यकसा मुफीद है। नाजरीन, जहां कहीं आपको समझ ना आए या आप किसी भी मर्ज के मुतालिक मुशावरत करना चाहें तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, SMS या वॉइस मैसेज कर सकते हैं। मुझे जैसे ही वक्त मिला मैं पहली फुर्सत में आपके मसले का हल बताने की पूरी कोशिश करूंगा। मैंने साबका वीडियो में चेस्ट इन्फेक्शन से बचाव के लिए एक नहायत मुअस्सर और आसान रेमेडी आपके साथ शेयर की थी जिसे ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े और बुजुर्ग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा और आइंदा वीडियो में जोड़ों के दर्द,
उसकी वजूहात और उसका आसान इलाज आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप रहें तंदुरुस्त हमेशा। अपना, अपने बच्चों और अपने अजीजों अकारब का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।